हेलो गाइज एंड वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बेज फ्रेंडेंट्स जो कि 2024 थाउजेंड में वेरियस बी एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वेदर यूर टारगेटिंग दी आई पी एम फॉर एम आई एम इंदौर एंड रोहतक या फिर तुम और बी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सच एज एमपैट फॉर एन एम आई एम एस सेट जनरल फॉर सिम्बॉइज सी यू ई टी फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एज वेल सी यू टी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर आई पी में तुम टारगेट तर, कर रहे हो जिप में टारगेट कर रहे हो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गिविंग ए टाइम फ्रेम वी हैव बहुत सारे एग्जाम्स हमारे इंतजार कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने ट्वेल्थ के बोर्ड में बिजी होंगे उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा अपनी प्रिपेरेशन को लेकर दैट्स वाई वी हैव कम अप विद अ क्रैश कोर्स बैच स्पेसिफिकली एट आर अंधेरी सेंटर जो भी बच्चे अंधेरी सेंटर के आस रहते हैं या फिर दे वॉन्ट टू ट्रेवल टू दी अंधेरी ये क्रैश कोर्स बैच तुम्हारे बहुत काम आने वाला है सो so ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड तक जरूर देखना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि आई या फिर बीबीए के वेरियस एंट्रेस को टारगेट कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली दे वॉन्ट टू जॉइन दिस क्रैश कोर्स बैच एट अंधेरी सेंटर सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो तो जो क्रैश कोर्स बैच होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश सो इंग्लिश से तुम्हारे ग्रामर रूल एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिएशन पैराग्राफ जम्बल वन वर्ड अब स्पेल चेक वो कैब एंडोनियम्स इनोनियम्स ये सारी चीज़ें फिलअप एंड क्लोज टेस्ट ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं तो एक हिसाब से इंग्लिश से तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा जनरल अवेयरनेस में दो चीज़ों में तुम्हारा जन जी के डिवाइडेड है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के दोनों ही इक्वली यहाँ पर कवर होने वाला है कॉन्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक वीक सेक्शन होता है तो कॉन्ट्स से भी वी हैव आउट यू कवर्ड पूरा का पूरा सिलेबस तुम यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कौन से भी कवर होने वाला है सेम गोज विथ रीजनिंग एज वेल रीजनिंग से भी पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर तुम्हारा कवर होने वाला है सो वे स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम मार्च सेल्फ एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दी क्रैश कोर्स बैच एट अंधेरी सेंटर यू कैन ईदर विजिट द सेंटर या फिर तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो विच इज एट जीरो एट सेवन ट्रिपल वन एट फाइव जीरो जल्द से जल्द जाकर सेंटर विजिट कर लो या फिर यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर इंक्वायर अबाउट दिस बैच and get yourself enrolled as soon as possible because अब हमारे पास ज़्यादा time है नहीं and इतने कम time में चाहिए होगी तुम्हें motivation right motivation के लिए तुम्हारे सामने होना चाहिए तुम्हारा dream college dream college के लिए if you want to write the NPAT examination you can target the NMIMS campus और जो भी तुम्हारा dream college है उसका एक color printout निकाल कर stick on your study table जो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा गोल होना चाहिए सो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एन एम आई एम एस यू हैव टू राइट दिन पैड एग्जामिनेशन अगर तुम आई पी मैट लिख रहे हो तो यू कैन टारगेट आई एम इंदौर या फिर आई एम रोहतक दोनों ही बेस्ट आई एम्स हैं अगर तुम जिप मैट लिख रहे हो सो यू कैन टारगेट आई एम जम्मू आई एम बॉथ के अगेन दोनों ही बेस्ट आयम्स हैं आएम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा से तुम्हें टॉप नॉच एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं इफ़ यू आर

सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड बाय एन जिससे तुम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो डीम्ड प्राइवेट स्टेट या फिर सेंट्रल तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को तुम इजीली टारगेट कर सकते हो सिर्फ एक एग्जामिनेशन से सो तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए एंड इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए मोटिवेशन अब मोटिवेशन डेली बेसिस पर बनाए रखने के लिए क्या करोगे यू कैन सिंपली विजिट टू दैन्यूअर एजुकेशन चैनल और वहाँ पर तुम्हें ये सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट मिलेंगे ये ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपनी प्रिपेरेशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज थे स्टक थे कहीं ना कहीं कि कैसे अपनी प्रिपेरेशंस को लेकर आगे बढ़े स्ट्रैटेजाइज करें चैनलाइज करें और उन्होंने हार्ड वर्क करके लेक्चर्स ज्वाइन करके मेंटरशिप गाइडेंस लेकर एग्ज़ाम्स को क्रैक किया एंड नाउ दे आर सिटिंग इन टॉप कॉलेजेस बाय क्रैकिंग दोज एग्जामिनेशन सो यू कैन बी द नेक्स्ट वन इन द मेकिंग तुम भी पॉडकास्ट में फीचर हो सकते हो वेन विल बी क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन इन दी वेरी सो ये सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट देख सकते हो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एंड इनफैक्ट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी कैसे इन्होंने अपनी प्रिपेरेशंस करी थी और कैसे इन्होंने भी वन गो में अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक किया था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्यूअर एजुकेशन या फिर मैन्यूअर आई पी एम एन बी बी ए चैनल पर तुम्हें ये सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे दिन का एक पॉडकास्ट देखो मोटिवेशन तुम्हारा थ्रू आउट या प्रीपेरेशंस बना रहेगा अब प्रिपेरेशंस को लेकर रोड मैप होना काफ़ी ज़रूरी है तो रोड मैप के लिए अगर तुमने क्रैश कोर्स पैच ज्वाइन कर लिया है यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ वीडियो लेक्चर्स अपने पेज पर सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो बुक्स एंड ई बुक्स मिलेगी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए लेक्चर्स होंगे तुम्हारे जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने को मिलेंगे साथ ही मिलता है एक्सेस मॉक टेस्ट का अगेन इस नंबर पर तुम कॉल कर सकते हो या फिर यू कैन विजिट दी अंधेरी सेंटर बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी अब इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा वीडियो लेक्चर से तुम्हारे कॉन्सेप्शल क्लैरिटी होती है जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं जो भी बेसिक चीज़ें वो सारी क्लियर हो जाएगी सो so दैट आगे बढ़ने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो बुक्स से तुम्हारे सारे थियरी पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे लेक्चर्स तो खैर तुम्हें इंटरैक्टिव मिलते ही मिलते हैं मॉक टेस्ट जो तुम्हें मिलेंगे वहाँ से तुम्हारी एग्जाम फैमिलरिटी हो जाएगी और एनालिसिस करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मॉक्स में कहाँ पर कितना स्कोर आ रहा है और तुम्हें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है फिर मिलते हैं तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो जो तुम्हारे एग्जाम्स में आने की गारंटी भी होती है तो यहाँ से तुम इजीली एग्ज़ाम्स के लिए वैसे ही प्रिपेयर हो जाओगे और साथ ही साथ होगी तुम्हारी कंप्लीट प्रिपेरेशंस बिकॉज हमने सिलेबस चेक किया वहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो रहा है सो कम्प्लीट प्रीपेरेश्स तुम्हारी हो जाएगी एक बार बारी तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई सो यू कैन ईजिली टारगेट एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस यूर टारगेटिंग अगर तुम एनपैट लिख रहे हो तो तुम एन एम आई एम एस ईजिली टारगेट कर सकते हो इनके काफ़ी सारे कैंपस हैं सेम गोज़ विथ सेट जनरल सिम्बोसिस को टारगेट कर सकते हो अगेन बहुत सारे हैं जेवियर्स यू कैन टारगेट यू कैन टारगेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी यू कैन टारगेट दी आई एम्स एज़ वेल तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं आईम्स जाना है सो दिस क्रैश कोर्स बैच इज फॉर यू अब कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें डेली एंड वीकली बेसिस पर विदाउट फेल करनी करनी है डेली बेसिस पर तुम्हें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर अगर तुम्हारी इंग्लिश अबाव एवरेज है काफी सारे हाई लेवल के वो कैप्स तुम यहाँ से सीखने वाले हो ना ही सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट जब तुम प्रोफेशनल फील्ड में आगे उतरोगे इंग्लिश वहाँ पर भी बहुत काम आने वाली है एक मॉक टेस्ट है तुम्हें पर वीक सॉल्व करना है अगर दो कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट होगा एक आर सी तुम्हें सॉल्व करना है डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स पर तुम्हें नज़र रखनी है अब बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें जी नहीं पूछा जाता बट ऐसे भी एग्जाम्स हैं बी में जहाँ पर जी आता है एक अरेंजमेंट पजल तुम्हें डेली बेसिस पर सॉल्व करना है रिविजन करना है डेली वीकली एंड मंथली बेसिस पर वो कैप के लिए न्यूज़पेपर जो तो तुम फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ होगी वर्ड पावर मेड इजी ये रेड कलर की बुक आती है बाय नॉमन लुइस अगर इस बुक को गो थ्रू नहीं कर सकते एंड इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यू तो तुम्हें मिलता है डैशबोर्ड का एक्सेस जहाँ पर वर्ड पावर मेड इजी को लेकर सारे वीडियो फॉर्मेट्स में सेशंस तुम्हारे कवर्ड हैं 48 सेशंस इन ऑल मिलने वाले हैं तो सारे सेशंस तुम वीडियो फॉर्मेट में देखकर कवर कर सकते हो वहाँ से भी अपने वो पर काम कर सकते हो एंड डेली प्रैक्टिस पर डेली बेसिस पर तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी है उसका टॉपिक वाइज या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लिखकर उसकी एनालिसिस करनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी तुम्हारी प्रिपेरेशंस के लिए सो so गाइस ये थी कम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रैश कोर्स बैच क्या क्या फ़ायदे होने वाले तुम्हारे इस बैच के साथ अगेन बैच की सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और तुम और भी कोई अपडेट नोटिफिकेशन क्रैश कोर्स बैच को लेकर मिस ना कर दो यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे इनसाइड्स अपडेट्स नोटफिकेशन मिलने वाले हैं सेम गोज विथ WhatsApp ग्रुप एज वेल इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और मैन्यूर आई पी एम एन बीबी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो बिकॉज जितने भी अपडेट्स नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी वाले वीडियोज़ कॉलेज को लेकर रिलेटेड वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट है सबसे पहले तुम्हें मैन्यूर आई पी एम एंड बी बी एंट्रेंस चैनल पर ही मिलने वाला है once again crash course ko le kar description check on and share this video to you, all your friends so yes guys that's pretty much it for the video until then see you in the next one